शराब बंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन देने पहुंचे आप नेता, साथ ही तृतीय लिंग समुदाय ने भी प्रदर्शन पंडाल में पहुंच दिया अपना समर्थन। बेटियों की सुरक्षा और मातृशक्ति के सम्मान में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूरे प्रदेश भर में शराब बंदी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जता रही है। इसी कड़ी में बुधवार को महिलाओं के प्रदर्शन में आप पार्टी के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रदेश की सरकार से आचार संहिता लगने से पहले शराबबंदी की घोषणा किए जाने का इंतजार कर रही है। वहीं मातृशक्ति के लक्ष्मी साहू ने अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर आज तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन पर बैठ अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। इस संबंध में उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शराब बंद कराना है, मातृशक्ति में खाना है, शराब बंद कराना है, कहां ये युवा बढ़ रहा है, नशे में युवा सड़ रहा है, कहां ये युवा बढ़ रहा है, नशे में युवा सड़ रहा है, बेटियों को बचाना है, शराब बंद कराना है। हम लोग जैसा कि मातृशक्ति संगठन के हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में हम सब मातृशक्ति पूरे विधानसभा पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करके हम यहाँ पे शराबबंदी पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए एकत्रित हुए हैं और शराब जो है हमारे समाज के लिए एक दंश का काम कर रहा है, सर्पदंश का काम कर रहा है, जिसके जहर से पूरा समाज पूरा युवा वर्ग और खास करके पूरे मातृशक्ति मातृ जो है महिलाएं हैं वो जूझ रही हैं। तो इससे हम अब इस पीड़ा को हम अब आगे नहीं सहेंगे। सरकार से चाहे वो राज्य शासन हो जो है देश का शासन हो, हम सबसे यही मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र ये शराब को बंद करें और हमारे समाज को हमारे देश को विकास के जो है पलट पर आने के हमें सुअवसर प्रदान करें, पूरे समाज को सुअवसर प्रदान करें कि हम भी देश में और अन्य देशों के जो है लेवल पे आ करके अपना जो है विकास करें। हम तो अपनी बातों पे अटल रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग माँ हैं। दर्द का सारा हिस्सा नशे के कारण हमारे हिस्से में ही आया है, तो इसे अंतिम रूप दे रहे हैं पूर्ण शराबबंदी के लिए। इसीलिए मेरा धरना चल रहा है और चलता ही रहेगा, आमरण अनशन चल रहा है, चलता ही रहेगा। लास्ट दो दिन बचा है आचार संहिता को भूपेश बघेल जी पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। में पूर्ण शराबबंदी होनी भी चाहिए, क्योंकि शराब के चलते बहुत से लोगों के घर उजड़ रहे हैं और ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो युवा हैं वो नशे के आदि हो रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू कहने वाला राज्य था, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हत्याएं रेप इस नशे के कारण हो रहा है। पहले भाजपा की 15 साल तक सरकार रही, उन्होंने भी शराबबंदी को देखा नहीं और उसको गंभीरता से लिया नहीं। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने तो गंगा जल लेकर के कसम खाई कि हम लोग शराबबंदी करेंगे। लेकिन दोनों के लिए मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र शर्मिंदा है, दारू पे सरकार जिंदा है। अब आप ये सोचिए कि मातृशक्ति को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। कितने परिवार इससे बिखर रहे हैं। जनता ने कांग्रेस सरकार से ये नहीं कहा था कि आप कसम खाओ, आपने खुद ने जनता को बताया कि हम शराबबंदी करेंगे। आज 5 साल होने जा रहे हैं, शराबबंदी नहीं हो रही है। तो ये आंदोलन की हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं और समर्थन करते हैं। मातृशक्ति को नमन जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमारी अति आवश्यक बैठक चल रही थी, सूचना मिली कि दुर्ग जिले की समाज सेवी लक्ष्मी साहू जी, जो विगत दिनों डोंगरगढ़ से पदयात्रा के माध्यम से तमाम नांदगांव जिला दुर्ग जिला की तमाम महिलाओं को पंचायत से लेके जिला से लेके ब्लॉक से लेके तमाम महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने पदयात्रा डोंगरगढ़ से शराबबंदी के लिए चालू किया और वो पदयात्रा जो है मुख्यमंत्री निवास तक उन्होंने मातृशक्ति के साथ वहां जाके उनका ज्ञापन सौंपा और उसी तारतम्य में आज वो दुर्ग जिले के इस मानस भवन के इस प्रांगण में वो 3-4 दिनों से अनशन में बैठी हुई है। बड़ी मात्रा में मातृशक्तियाँ
उनसे जुड़ रही हैं। तमाम वार्ड की महिलाएं जो है लगातार उनके संपर्क में हैं और इस आंदोलन स्थल में पहुंच रही हैं। हम लोग भी आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य आज हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं लक्ष्मी साहू जी के उसमें कि ये जो कांग्रेस के जो नेता लोग जो सरकार में आज काबिज हुए हैं और गंगा जल जैसे पवित्र चीज़ों का भी महत्वहीन बता दिए हैं और उसकी सौगंध खाने के बाद भी यदि शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं ये दुर्भाग्य है। और ये जो इनके नेतृत्व में महिला शक्ति एकत्रित होकर जो आंदोलन कर रही है उसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।